इंदौर पुलिस के दो जवानों को महिलाओं ने बंधक बनाया। घटना का वीडियो सामने आने के बाद एसपी गौरव तिवारी ने जवानों को निलंबित किया। घटना नेपाल गांव में बीती रात की है। पुलिस जवान महिलाओं से माफी मांगते नजर आए। एसपी ने दोनों जवानों को अमित और हेमंत को निलंबित करने की बात कही। इंदौर ब्यूरो राकेश सच्चर की रिपोर्ट। बद्दी भाई क्या हुआ था कल रात को? सर दो जन आए थे, पहले तो पुलिस वाले शादी ड्रेस में कि क्या लेना आया था कि दारू ढूंढने आया। हमने कि दो नहीं है दारू यहाँ निकल आए नहीं हम तो जबरदस्ती करी ना अंदर घुस गया भाई। अंदर घुस गया ने फिर होद्य बना दारू नहीं ना आके ठेला ठेली तो क्या बर्तन तो क्या नहीं मिलियो ने फिर बाद में तीन चार जना फिर आया तो सेजना भैया ने भी फिर दारू ढूंढ नहीं मिलियो बर्तन फेंक्या फिर हमें कि दो बर्तन में मत फेंको हमारे बर्तन रोटा पानी कराना है बर्तन फेंक दो का करेंगे पागी जागा टूटी जागा यूँ तो वो बोले कि दारू ढूंढ रहे हम तो यो कर रहे हम तो वो कर रहे हम तो बर्तन फेंकने लगे तो हमने मना बोला तो वो नहीं माने फिर हमने मारे वन उसको मारे मार कूट करी फिर बिठा है वो शादी ड्रेस में आया वर्दी में आता हम समझ तक पुलिस वाले हैं कुछ नहीं बोलते अभी शादी ड्रेस में आया हमने मारा वो फिर मार कूट कर चला गया फिर आया उनके कहो पैसा दो काहे को पैसा दो हाँ पैसा दो हमको 6-7 हज़ार रुपया सी है माने पैसा दो दारू निकल रहा बेसी रहा पैसा दे तब तो दारू तो निकाला नहीं बेसा नहीं तो कहाँ दे दा पैसा कौन थे लोग पुलिस वाले शादी वर्दी में आया था आपको कैसे पता चला कि पुलिस वाले हैं? उन्होंने बोला वो पहले आए थे शादी ड्रेस में और बाद में आए वो ये कपड़े पहन के आए थे वो पहले आए थे पहले हाँ पहले दो तीन चार दिन दो तीन बार से सात बार आ गया पहले हाँ से सात बार आ गया वे तो वो पहले ना पैसा नहीं था फिर वो रात में आया तो रात में कहीं पैसा में आई रहा वो शादी ड्रेस में कौन पैसा ने रात में कौन पैसा ने बाद में आए तो हाँ नेपाल में कुछ ऐसी घटना हुई जिसमें कुछ वीडियो वायरल हुआ है जिसमें पुलिस कर्मियों को महिलाएं कुछ मारते पीटते दिख रही है, क्या मामला है? इसमें बताना चाहूँगा कि कल ग्राम देपालपुर जो थाना गोपालपुर जो कि थाना आईए रतलाम का ग्राम है यहाँ पर पुलिस वाले दो पुलिस वाले हैं जिनका नाम एक अमित और हेमंत करके दो पुलिस वाले हैं जो सिविल ड्रेस में वहाँ ग्रामीणों के साथ बहस करते हुए देखे गए हैं। इसमें प्रथम दृष्टया थाना प्रभारी से पता करते हैं उनका कहना है कि एज सच कोई जानकारी दिए बगैर वरिष्ठ अधिकारियों को बिना जानकारी दिए बगैर ये दोनों वहाँ गए थे और चूंकि वो यूनिफॉर्म भी नहीं है तो ये ज़रूर इनका संदिग्ध आचरण प्रदर्शित करता है। इसको देखते हुए इन दोनों ही आरक्षकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है और इसकी जाँच DSP AJK1 को दिया है। जो भी तथ्य आएंगे उसके हिसाब से दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। नहीं इस तरह की शिकायतें मेरे से नहीं किया है उनका कहना था कि साहब ये पुलिस वाले हैं जो आए दिन आकर रेड करते हैं। इस समय बताना चाहूँगा कि वहाँ जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उस गांव के उनमें कई लोगों के खिलाफ कई सारे अवैध शराब की बिक्री के और तस्करी के प्रकरण पंजीबद्ध हैं। कुछ लोगों का जिला बदर भी पेश किया गया है। उनको इस बात से अवगत करा दिया गया है कि जब भी रेड होगा आगे इसमें पुलिस कोई परेशान नहीं करेगी लेकिन रेड करेंगे हम लोग और जब तक ये अवैध गतिविधियों को नहीं छोड़ेंगे लोग। लेकिन जो पुलिस इस तरह सिविल में जाकर डराना धमकाना कर रही है वो जरूर गलत है। उसमें जो भी पुलिस वाले शामिल हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। प्रेम खराड़ी। प्रेम जी क्या हुआ था कल रात को नेपाल गांव में? सर मैं दिन में हिमाली करता हूँ महेश्वरी बिल्डर्स के यहाँ, वहाँ काम करके शाम को घर गया। घर जाने के बाद में हमारे पास में बड़ी मम्मी शांत हो गए थे तो हम सब लोग वहाँ गए हुए थे और ये दो तीन जने आए शादी ड्रेस में। घर पे मिसेज हिकली थी, उन्होंने बोलता तुम लोग दारू बेचते हो ये बेचते हो तो मिसेज ने बोला ढूंढ लो साहब अगर दारू वारू बेचते हो तो। इधर उधर ढूंढा ढूंढी करे इन्होंने नहीं मिला साहब। उसके बाद घर में हमारा सारा सामान वामान फेंक दिया और कहते हो कि तुम पोटली वोटली कर ले और उसके बाद हाथापाई करने लगे ये लोग। उसके बाद मेरे पास में भाभी वगैरह सब थे वो दौड़ दौड़ आ गए सब तो चार पाँच औरतें मिलकर सब हाथापाई करने लगे साहब। दो तीन तो भग गए दो बार रहे साहब हमने पकड़ के उनका वीडियो भी बना रखा साहब और आए दिन परेशान करते रहते साहब ये लोग। कौन लोग हैं? सर ये पुलिस वाले हैं। कहाँ के? किस थाने? उद्योग क्षेत्र थाने के। अच्छा तो आप लोगों ने कोई पुलिस को ये एसपी वगैरह को शिकायत की है? सर आगे ये एक दो आते थे ज़्यादा इतने परेशान नहीं करते थे नहीं करे पर अब बहुत ज़्यादा करने लग गए सर। कल हमारा सारा सामान फेंक दिया इन लोगों ने। अच्छा ये परेशान काहे के लिए करते हैं? ये बोले तुम दारू करते हो दारू बेचते हो अवैध धंधा करते हो पैसा लाओ हफ्ता दो हमको ऐसा करो ऐसा करो यूँ बोलते सर ये लोग। तो हमने बोला ढूंढ लो आपको ये घर पड़ा हमारी जमीन पड़ी सब दूर देख लो आप अगर हो दारू तो कुछ नहीं मिला फिर भी जबरन परेशान कर रहे हैं सर ये।
केवल आपके यहीं किया है और गांव में दूसरी जगह भी आते हैं, सब लोग सब डरते हैं सर बोलने के लिए, इसलिए कोई बोलता नहीं है। इनके लिए हमने सब इकट्ठा होकर आज सब जनों मिलकर एक आवाज़ उठाई हमने और सब लेके आए हम। कब से चल रहा है ऐसा पुलिस वालों का आंदोलन? ये सर 4-5 महीने से चल रहा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।